सो हे गाइज, वेलकम बैक टू माई चैनल डोरे एक्सटून। सो गाइज, आज का ये वीडियो आप सभी डोरेमोन और परमैन फैंस के लिए काफ़ी ज़्यादा स्पेशल होने वाली है। अगर आप भी है परमैन के फैन तो आज का ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा धमाकेदार होने वाली है। तो गाइज, आज के इस नई वीडियो में हम बात करने वाले हैं परमैन को बडमैन ने क्यों चुना और कब चुना गया था और किस लिए चुना गया, और गाइज परमैन पृथ्वी में कब आता है, और दोस्तों परमैन पृथ्वी में आकर पाको से मिलता है क्या। तो गाइज, आज मैं आप लोगों के सामने सब प्रूफ लाया हूँ एंड मैं आप लोगों के सामने खाली हाथ नहीं आया हूँ। एंड हाँ यार, अभी तक आप सभी ने मेरे इस वीडियो को लाइक नहीं किए तो क्या किए, लाइक कर दिए इस वीडियो को। एंड आज का लाइक टारगेट सिर्फ और सिर्फ 20 लाइक्स का। तो यार, आज के इस वीडियो में परमैन से जुड़ी और भी बातें बताने वाला हूँ, तो वीडियो को एंड तक जरूर वॉच करना। एंड अगर आप इस वीडियो को थोड़ा सा भी स्किप करते हैं तो आपके भेजे में कुछ नहीं घुसेगा। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो गाइज, सबसे पहले हम बात करते हैं परमैन को आखिरकार बडमैन बनने का मौका कैसे मिला। गाइज, इस आंसर का दो जवाब है। तो सबसे पहला, मुझे एक एपिसोड से पता चला है, एक दिन बडमैन ने सभी को बुलाया था और सभी परमैन को एक गैजेट दिया था और बडमैन ने कहा था, ये मशीन अपने सिर पर लगाओ और ये तुम्हारा सारा काम रिकॉर्ड करेगा, मतलब कि जो भी परमैन बहुत अच्छा काम करेगा उसे बड प्लैनेट के लिए चुना जाएगा। न्यू ईयर के दिन बडमैन ने उन सभी परमैन को बुलाया और सभी परमैन सोच रहे थे मैं ही जीतूंगा, और अपना मित्सुओ सोच रहा था मैं कभी भी जीत नहीं पाऊंगा, मैंने कोई भी अच्छा काम नहीं किया है। फिर गाइस, क्या होता है कि बडमैन मित्सुओ को विनर कहता है। मित्सुओ बहुत ज़्यादा खुश होता है और बाकी सभी परमैन मित्सुओ से जलते हैं। मित्सुओ घर जाता है, रोबोट को कहता है, आज मैं बड प्लैनेट जाने वाला हूँ, तुम्हें ही अब से मित्सुओ बनकर रहना होगा। मित्सुओ सभी अपने दोस्तों से मिलकर आता है। रात को बडमैन आता है, परमैन को स्पेसशिप से ले जाता है। परमैन बड प्लैनेट देख पा रहा था और वो थोड़ा दुखी भी था, तभी उसे रोबोट का दिया हुआ चिट्ठी मिलता है, तो उसी के वजह से मित्सुओ बड प्लैनेट से पृथ्वी में आ जाता है। एंड यार, इसी वजह से बडमैन ने मित्सुओ को चुना था और वहीं से शायद किसी और को चांस नहीं मिला। परमैन की कॉमिक बनाई गई है जिसमें मित्सुओ बड प्लैनेट चला गया सभी को छोड़ के। और गाइस, दूसरा रीज़न भी मेरे पास है, वो क्या रीज़न आप जानते हैं। तो गाइस, परमैन कुछ भी चीज़ों में अच्छा नहीं है, वो नोबिता के जैसा थोड़ा है, वो बाकी परमैन से अलग है और ज़्यादा ही कुछ आलसी है। पाको जो है बहुत ही ज़्यादा ताकतवर परमैन है, वो भी बहुत ही ऊंचा जंप मार सकता है, और पायन बहुत ही चालाक है और दिमाग को सही से यूज़ करता है, और परमैन जो है वो किसी में भी अच्छा नहीं है। तो इसी वजह से बडमैन ने परमैन को चुना है ताकि परमैन भी उनके जैसा अच्छा बन सके। और गाइस, परमैन सभी को खुश देखना चाहता है। तो यार, आप लोगों को पता है बडमैन परमैन को बड प्लैनेट ले जाता है उसे भी अच्छा बडमैन बनाने के लिए। और दोस्तों, परमैन पृथ्वी से तो बाहर चला गया और पृथ्वी में कब आएगा अब हम आगे जानने वाले हैं। गाइस, परमैन लाइक ए शूटिंग स्टार टर्बो एनिमेशन हर हफ्ते एक एपिसोड अपलोड करते हैं जिसमें परमैन बडमैन बन चुका है और वो बडमैन बन के यूनिवर्स में किसी प्लेनेट में है। आप सभी मेरे इस वीडियो देखने के बाद टर्बो एनिमेशन के वीडियो जरूर वॉच करना, वो भी काफी अच्छे वीडियो अपलोड करते हैं। तो गाइज, अब बात करते हैं परमैन पृथ्वी से कब आया। गाइज, अभी तो परमैन के एपिसोड नहीं बन रहे हैं तो हमें कहाँ से जानने को मिलेगा। तो यार, हमें अभी डोरेमोन के एपिसोड से जानने को मिलेगा। तो यार, डोरेमोन का जो राइटर है उसी ने परमैन को भी लिखा है। एंड देखो यार, डोरेमोन के एक एपिसोड में हमें दिखाया गया है जिसमें परमैन बहुत दिनों बाद बड प्लैनेट से पृथ्वी में आता है। एंड यार, आप सभी लोगों को पता होगा परमैन पृथ्वी छोड़ने से पहले उसने पाको को कहा था, मैं जरूर आऊंगा। तो यार, लगभग बहुत साल बाद परमैन पृथ्वी में आ जाता है। तो गाइज, ये सीन डोरेमोन के सीजन 16 एपिसोड 4 में दिखाया गया है। मैंने इस एपिसोड को इंग्लिश में देखा है। तो यार, उस एपिसोड में सभी नोबिता के दोस्त अपने शरीर चेंज करते हैं। नोबिता सुजुका का बॉडी ले लेता है और अपना शरीर सुजुका को दे देता है। नोबिता सुजुका का पैर डोरेमोन को दे देता है। तो यार, इस एपिसोड में सभी अपने शरीर नोबिता के साथ एक्सचेंज करते हैं। उस गैजेट का नाम था बॉडी स्वैपिंग मशीन। तो यार, सुजुका अपने घर में टीवी देखती है जिसमें ये सीन दिखाते हैं। तो यार, आप लोगों को क्या लगता है, ये सुमीरे है और ये मित्सुओ? एंड यार, मुझे तो पूरा यही लगता है, और आप सोच रहे होंगे कि कैसे ये मित्सुओ है। तो यार, इस सीन को देखने से लगता है वही मित्सुओ है, कपड़ा और बाकी कुछ, पर उसका हेयर स्टाइल चेंज हो गया है। एंड यार, वो बहुत दिनों बाद पृथ्वी में आया है तो कुछ तो चेंज होगा ही। और इन दोनों इमेज को कंपेयर करने से लगता है यही सुमीरे है। यहाँ पर ध्यान से देखिए हेयर बैंड को, ये भी हेयर बैंड पहनी है और सुमीरे भी हेयर बैंड पहनी है, तो इसी वजह से कैरेक्टर तो वही दोनों है। एंड यार, मेरे पास एक और प्रूफ है, जब सुमीरे नोबिता से मिली थी और नोबिता को अपना खास दोस्त दिखाई थी तो वही सनसेट का सीन था और वही समुद्र भी लग रहा है। एंड देखो यार, इसी वजह से मुझे लगता है परमैन पाको से मिलने आया था। और अगर आप लोगों को बुरा लगा तो मुझे माफ कर दे, शायद ये भी हो सकता है कि वो एक नॉर्मल मूवी है, क्योंकि सुजुका बोली थी मूवी खत्म हो गई है। मूवी देखकर मजा आ गया। तो यार, अगर आप लोगों को मेरा ये वीडियो अच्छा लगा है तो कमेंट में जरूर बताना, और ऐसे ही अपडेट्स के लिए आप सभी एनिमे फैंस बने रहे मेरे साथ। मैं मिलता हूँ एक और नई और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद, जय भारत और वंदे मातरम।